सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। ऑब्जर्वेशन आकी कितनी कमाल की एबिलिटी है ना। सोचो ये चीज अगर रियल में होती तो हम कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन फ्यूचर में होने वाली चीजें जरूर देख सकते। मैं तो देखता कि रॉबिन के साथ कौन सेट हुआ और वन पीस की एंडिंग कैसी होगी, शायद वो भी पता चल जाता। मैं तो क्या, हर वन पीस फैन भी यही करता, पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज बस फिक्शनल है। ये पावर्स, ये हाकी, ये सब कुछ फिक्शनल चीज है। पर तुम्हें पता है रियल क्या है? द वन पीस। द वन पीस इज रियल। देखो वन पीस तो रियल है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन हाकी नहीं है तो हमें नहीं पता कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। तो हम बस फ्यूचर में होने वाली चीजों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, सिर्फ गेस। और इन्हीं कई सारी चीजों का यूज करके हम थ्योरीज बनाते हैं। तो 14 जुलाई 2022 ओडा सेंसेई ने वन पीस फैंस के लिए एक मैसेज दिया था कि वो अब वन पीस के फाइनल सागा पर काम कर रहे हैं, जिसे सुनने या पढ़ने के बाद हर वन पीस फैन की मानो बुद्धि ही खराब हो गई थी कि फाइनली अब उन्हें वन पीस की वो मिस्टीरियस चीजें पता लगने वाली हैं जिनका वेट वो इतने सालों से कर रहे थे। इनमें से कई सारे लोग तो वेट करते करते इस दुनिया से ही चले गए, लेकिन ओडा सेंसेई के इस अनाउंसमेंट को लगभग एक साल हो चुके हैं। लेकिन जब ये बात कम्युनिटी में फैलने लगी थी तो लोगों ने इस पे वीडियोस, फैन थ्योरीज, डिस्कशन और बहुत कुछ बातें की, बट इस चीज को लेके इस चैनल पे कोई खास वीडियो कभी नहीं आई। लेकिन उस समय सिर्फ ओडा सेंसेई की अनाउंसमेंट को लेके पूरा पूरा वीडियो बनाना, थ्योरी बनाना उतना ज्यादा सेंसिबल काम नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइनल सागा के बारे में, क्योंकि एक साल से आते हुए चैप्टर्स को देखने के बाद और स्पेशली पिछले कुछ चैप्टर्स को देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि स्टोरी लाइन कहाँ जा रही है। अब इस चीज को 100% भी कंफर्म नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप सबको पता है ओडा सेंसेई को प्रेडिक्ट कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैंने सिर्फ गेस वर्ड का यूज किया था। वो कब क्या कर दें कोई नहीं बता सकता। तो फाइनल सागा से रिलेटेड एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी पे बात करते हैं, जहाँ हम एग हेड से लेके फाइनल सागा तक ये स्टोरी कैसे होने वाली है उस पे बात करेंगे। सो एगहेड को हमने जितना भी देखा है उसको सिंपल करके बोलूं तो एगहेड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट आर्क है, जहां हमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें पता लगी। लाइक डेविल फ्रूट के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चला, जहां पर वेगा पंग ने हमें एक थ्योरी बताई थी कि डेविल फ्रूट की एबिलिटीज बस एक पॉसिबिलिटी है कि किस तरह से ह्यूमंस इवॉल्व कर सकते थे फ्यूचर में। और ये फ्रूट्स इस दुनिया में इसीलिए आए क्योंकि इंसानों ने ऐसा सोचा कि काश मैं ये कर सकता। अभी ये वेगा पंग की थ्योरी सही है या नहीं ये तो नहीं पता, बट हां डेविल फ्रूट इंसान का लिनिएज फैक्टर चेंज कर देता है, जो कि काइंड ऑफ एक एवोल्यूशन टाइप का ही है। और एगहेड पर सिर्फ यही नहीं बल्कि हमें वेगा पंग के बारे में भी पता चला, जो कि वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर भी था, और हमें ये देखने को मिला कि वो क्या क्या कर सकता है, उसने पास्ट में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए क्या क्या किया है, और करेंटली उसने डेविल फ्रूट की कॉपी, 7 वॉरलॉर्ड्स की कॉपी, और मे भी उसने एक एंशियंट वेपन की भी कॉपी बना दी है, जिसे रिसेंटली इमो ने लुलुशिया किंगडम पे यूज किया था उसको खत्म करने के लिए। यहीं पर अगर हम सेराफिम्स की बात करें तो अभी हमें कुछ खास नहीं लग रहे हैं, लेकिन अभी सच बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि वो बस एक रोबोट के जैसे हैं। रोबोट के जैसे नहीं बल्कि रोबोट ही हैं। बस फर्क इतना है कि लोहे की जगह वो असली मांस और खून से बने हुए हैं। अभी इनकी एबिलिटीज भी बहुत लिमिटेड लग रही हैं, लेकिन जब ये और भी ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे और वर्ल्ड गवर्नमेंट जब इन्हें फाइनल वॉर में खुला छोड़ देगी तो सोचो जरा और वो क्या क्या कर पाएंगे एक साथ। और वर्ल्ड गवर्नमेंट उन्हें ऑल आउट जाने का ऑर्डर बिना किसी झिझक के दे सकती है। वो एक रियल ह्यूमन नहीं है जिसके मरने पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को किसी को जवाब देना पड़ेगा। आई मीन नॉर्मली भी उन्हें किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, लेकिन लोगों के सामने वो इसको एक जस्टिस के सिंबल की तरह यूज कर सकते हैं। और क्योंकि अभी सच बताऊं तो हमें सिर्फ उनकी इंडिविजुअल पावर्स दिखाई गई हैं कि वन ऑन वन फाइट में वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को फाइट करते हैं, बट जब वो सारे एक साथ एक टीम की तरह फाइट करेंगे तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो एक योंको तक को डिफीट करने की पावर्स रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं तो बस इमेजिन करो कि अगर सारे के सारे 7 वॉरलॉर्ड्स एक साथ एक टीम में काम करते तो वो ऑलमोस्ट एक योंको को डिफीट करने की पावर्स अपने पास रखते। और अगर हम 5 एल्डर्स की बात करें तो इनको जब ओडा सेंसेई ने इंट्रोड्यूस किया था तभी हमें आइडिया लग गया था कि ये सब अपने टाइम के बीस्ट थे, एंड आई मीन लिटरली बीस्ट, क्योंकि अब हमें उनकी पावर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। देखो एगहेड आर्क जब एंड होगा तो आई एम श्योर ओडा सेंसेई अभी साइड बाय साइड बैटल रॉयल चला रहे हैं, लाइक किड वर्सेस शैंक्स, लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वर्सेस सॉर्ड के मेंबर्स, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वर्सेस नेवी फ्लीट। ये सारी चीजों का इफेक्ट बाकी जगह पे कैसा होने वाला है वो हमें बताया जाएगा, जहां सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सॉर्ड वर्सेस ब्लैक बियर्ड पायरेट्स और स्ट्रॉ हैट पायरेट वर्सेस नेवी फ्लीट। अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा होगा कैसे गार्प थक कर जमीन पर
गिर गया था, वो डिफीट नहीं हुआ है, बट काइंड ऑफ हमें उसकी थोड़ी बहुत लिमिट भी पता चल रही है। और सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर कोई प्रकट नहीं हुआ इस समय तो आई डोंट नो गाप के टीम को कोई बचा पाएगा या नहीं। एंड बाय द एंड ऑफ एगेड आर्क कोई ना कोई तो मरेगा या फिर पकड़ा जाएगा। अब ये चीज तो ओडा सेंसेई के ऊपर है कि वो किसको निपटाएंगे, लेकिन ये चीज एक बहुत बड़ा रीजन बनेगी फाइनल वॉर को सेटअप करने के लिए। अगर इस पे भी बात की जाए कि कौन सा कैरेक्टर पॉसिबली मरेगा, तो उस पे काफी सारे लोग गाप का नाम ले रहे हैं, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो लूफी के एकदम करीब कौन लोग हैं जिनके मरने पे लूफी बिल्कुल पागल हो जाएगा, दैट इज गार्प एंड साबो। साबो इस समय ड्रैगन की शरण में बिल्कुल सुरक्षित है, मुझे नहीं लगता उसका कोई बाल भी बाका कर पाएगा। वहीं पर अगर हम गार्प को लें तो वो इस समय थोड़ा सा अंडर पावर दिख रहा है और बहुत ही हेल्पलेस स्टेट में, तो यहीं पर गार्प का पकड़ा जाना हमें काफी हद तक पॉसिबल लग रहा है। एंड एज यू नो किजारो इस समय एगेड आइलैंड पर पहुंच रहा है, जहां तक किजारो की बात है वो कभी किसी को भागने नहीं देता, हमने ऑलरेडी ये देख रखा है। अगर हम सिर्फ कैनन स्टोरी की बात करें तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि जोरो और सांजी मिलकर किजारो से फाइट करेंगे एंड किजारो विल पॉसिबली डिफीट देम। इस चीज पर मैं 80% कंफर्म हूं। अब मैं इतना ज्यादा कंफर्म क्यों हूं, क्योंकि इतने टाइम से हम बस स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की ग्रोथ देख रहे हैं कि कैसे वो टाइम बाय टाइम पावरफुल होते जा रहे हैं, और जोरो को तो वन पीस फैंस ने इतना ज्यादा हाइप करके रखा है कि उनको लगता है कि अब वो एक एडमिरल लेवल पर हो गया है, बट द ट्रुथ इज कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद करो लास्ट टाइम जब तुमने किजारो को देखा था तो किजारो बस उनके साथ खेल रहा था, ऐसा नहीं था कि वो सीरियसली उनसे फाइट कर रहा है। और इवन जब सिल्वर रेलिक भी आ गया था तो ऐसा ही लग रहा था कि किजारो बहुत ज्यादा परेशानी में फाइट कर रहा है या फिर उसको चोट लग गई है फाइट करते करते, वो बहुत ही आराम से रेलिक से भी फाइट कर पा रहा था। और कंसिडरिंग कि किजारो इस समय अभी अपने प्राइम में है, तो आप खुद ही इमेजिन करके देख लो कि वो कितना स्ट्रांग होगा। देखो हमें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि काइडो एक एडमिरल को डिफीट कर लेता, और पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है, व्हाइट बियर्ड भी एडमिरल को डिफीट नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए मैं इस चीज पे काफी ज्यादा श्योर हूँ कि किजारो की अगर फाइट होती है जोरो या सांजी से, तो वो इन दोनों में से किसी ना किसी को पक्का पूरी तरह से डिफीट कर देगा। ना पूरे इंटरनेट के हिसाब से हमें नेक्स्ट आर्क एल्बाफ देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर ओडा सेंसेई की अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फॉर्मूला देखने को भी मिल सकता है, यानी कि हम और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स किसी और जगह पर भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब वो निकलेंगे तो वो अपनी मर्जी से नेक्स्ट डेस्टिनेशन नहीं सेट कर पाएंगे और बस जल्दी जल्दी में एगेड आइलैंड से भागने का सोचेंगे। और यहाँ पर जो मुझे सबसे क्लोज पॉसिबिलिटी लगती है जहाँ पर लूफी और उसका क्रू सेफ फील करेगा, वो है स्फिंक्स आइलैंड। स्फिंक्स आइलैंड अगर आपको नहीं पता तो यहीं पर एस और व्हाइट बियर्ड की कब्र है, जहाँ पर साबो ऑलरेडी आ चुका है और लूफी का यहाँ पर आना रह गया है। अब यहाँ पर एल्बाफ पे मैं अपने दाव इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एल्बाफ पे ऑलरेडी शैंक्स प्रेजेंट है और ये आइलैंड ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो रहा है, जिसको मुझे लगता है ओडा सेंसेई अभी इतने जल्दी दिखाएंगे। हाँ, स्फिंक्स के बाद हो सकता है हमें एल्बाफ देखने को मिले, बट अभी तुरंत जब शैंक्स वहां पर है मुझे लगता है कि अभी हम वहां पर जाएंगे। और जिस हिसाब से करंट स्टोरी चल रही है देखकर ऐसा लगता है कि 5 से 10 चैप्टर्स में हमें विल ऑफ डी को भी कंफर्म कर दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने तुम लोग को बता दिया कि स्ट्रॉ हैट क्रू आने वाले टाइम में एल्बाफ पर विजिट कर सकती है, और हमें वेगा पंक की स्टोरी से पता है कि एल्बाफ पे बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, क्योंकि वो सारे ओहारा की जो किताब में है वो एल्बाफ पर है करेंटली। एक बार वो एल्बाफ पर पहुंच गए तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि उन्हें वॉइड हिस्ट्री एंड डेफिनेटली विल ऑफ डी के बारे में भी पता चल जाएगा। और मेरे हिसाब से विल ऑफ डी की जो सबसे पॉसिबल रियलिटी मुझे लगती है वो हो सकता है कि 900 साल पहले जब एंशिएंट किंगडम और एलाइड किंगडम्स के बीच में फाइट हो रही थी, उस समय पॉसिबली जो जॉय बॉय का क्रू होगा उसी का कुछ डी से लेना देना होगा, जहां पे क्रू का भी नाम डी से कुछ हो सकता है, इसलिए काफी सारे लोग डी के नाम को शेयर करते हैं। और यही सेम चीज इमू ने भी बोली थी कि 900 साल पहले जो लोग ये डी नाम को शेयर करते थे वो लोग इन 20 किंगडम्स यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की एनिमी हुआ करते थे। वैसे विल ऑफ डी एक लौती चीज नहीं होगी जो कि हमें देखने को मिलेगी, रोड पोनी ग्लिफ भी बहुत हद तक हो सकता है कि वहीं पर हमें देखने को मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहली बात तो शैंक्स का एक स्ट्रांग होल्ड है और शैंक्स के पास एक पोनी ग्लिफ ना हो ये बहुत ही मुश्किल है इमेजिन करना। और वैसे भी हम मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स के बारे में सुन ही रहे हैं, जिसके बारे में किड ने बताया था कि उसी के पास लास्ट वाला रोड पोनी ग्लिफ है, और किड भी फिर घूमते फिरते वहीं पहुंच गया एल्बाफ पे, तो सबको पता है कि द मैन विद द बर्न स्कार काफी हद तक जगुआर डी सोल हो सकता है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इतनी जल्दी जल्दी हमें सारी चीजें पता चलेंगे, तो ये एक्चुअली में कम से कम तुम्हें 100-150 चैप्टर्स तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 आइलैंड्स की स्टोरी है। और क्योंकि ओडा सेंसेई वन पीस को जल्दी खत्म करना चाहते हैं और उनके पास टाइम कम है, इसीलिए वो चीजों को बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर रहे हैं। पिछले कुछ चैप्टर्स में काफी कुछ देखने को मिल गया जो कि मैंने उम्मीद नहीं की थी, एंड आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा ब्रेक हुआ है 2 आर्क्स के बीच में जिसमें इतना कुछ देखने को हमें मिला। और इन्हीं एक्सेलरेटेड चीजों में हमें रेवोल्यूशनरीज वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा। देखो बहुत टाइम हो गया है, मतलब वन पीस को स्टार्ट हुए 2 डेकेड से भी ज्यादा हो गया है, और हमें रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेड के बारे में थोड़ा भी पता नहीं है। ड्रैगन की पावर्स क्या है, उसके रेवोल्यूशनरी बनने के पीछे का मेन मोटिव क्या है, ये सब हमें अभी तक नहीं पता। ये पता कि वो हरा इंसिडेंट के बाद ही उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी को बनाया था, बट
सिर्फ ओहारा जल गया इसीलिए उसने बनाया था, ये मैं नहीं मान सकता। और जो बाकी लोग उसको ज्वाइन किए थे जैसे कि इवानकोव और बटलोमेव, तो इन लोग का भी अपना कोई ना कोई रीजन होगा इस चीज को सपोर्ट करने के लिए। हमें ड्रैगन के पास्ट के बारे में भी थोड़ा नहीं पता कि आखिर वो अपने यंग एजेस में क्या किया करता था। कुछ लोग का कहना है वो एक मरीन था, बट अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। और उसकी वाइफ कौन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लूफी की मम्मी के बारे में ऑलरेडी ओडा सेंसेई ने बोला है कि उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, बट अब वो कौन है ये किसी को नहीं पता। और अगर हम फैमिली लाइनअप्स की बात कर ही रहे हैं तो सिर्फ लूफी का फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है। इस समय अगर इंटरनेट हिल रहा है तो वो सबसे ज्यादा हिल रहा है शैंक्स की फैमिली की वजह से। देखो ड्रैगन की तरह ही शैंक्स भी एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, लेकिन यार अब बहुत टाइम हो गया है, अब हमें बता भी दो ओडा सेंसेई कि आखिर ये है कौन। और अभी जो रीसेंट का चैप्टर आया था जिसमें लोग लिटरली मान ही लिए थे कि फिगारलैंड गार्लिंग ही शैंक्स का बाप है या उसकी फैमिली से रिलेटेड है, पूरा का पूरा सिचुएशन बहुत वायरल हो गया था अभी, क्योंकि फिगारलैंड गार्लिंग ही आखिरी आदमी था जो कि गॉड वैली को रूल कर रहा था, और फिर गॉड वैली पूरी तरह से खत्म हो गया और गॉड वैली पे ही शैंक्स मिला था। और ऑलरेडी शैंक्स इज सेलेस्टियल ड्रैगन वाली थ्योरी बहुत ज्यादा ट्रू है, क्योंकि शैंक्स के बोलने पे ही मरीनफोर्ड वॉर रुक गया था। तो समझ रहे हो ना, पूरा पूरा सीन फिगारलैंड गार्लिंग की तरफ ही बढ़ रहा है। और अभी फिगारलैंड गार्लिंग को नया नया ओडा सेंसेई ने क्यों इंट्रोड्यूस किया और आउट ऑफ द ब्लू इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एग्जिस्ट भी करता है, ये सब कुछ बहुत ही भयंकर लग रहा है सुनने में। लेकिन ऑलरेडी व्हाइटबियर्ड ने हमें रेफरेंस दिया था कि शैंक्स को देख के उन्हें उस इंसान की याद आती है जिन्होंने उसे घाव दिया, तो शैंक्स की फैमिली रिवील होना एक बहुत बड़ा सीन होने वाला आने वाले टाइम में। लेकिन फिगारलैंड गार्लिंग से इसका इतना ज्यादा रिलेशन इसलिए भी बन रहा है क्योंकि ओडा सेंसेई के पैरेलल्स भी इनमें देखने को मिल रहे हैं। ओडा सेंसेई यूजुअली कैरेक्टर्स के बीच में पैरेलल्स एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि आप रॉजर और नोलैंड के साथ देखोगे, दोनों ने बहुत बड़े बड़े खजाने खोजे थे, बट रॉजर को हीरो मान लिया गया था और वही नोलैंड को झूठा मान लिया गया था। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से ये शैंक्स के साथ भी देखने को मिल रहा है कि शैंक्स इन स्लेव्स के सपोर्ट में है बट उसका बाप इनके जस्ट खिलाफ है। तो ये सिचुएशन बन रहा है इसीलिए लोग शैंक्स को फिगारलैंड फैमिली से समझ रहे हैं, ऑल्सो क्योंकि उटा भी उसी फैमिली से है। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक फाइनल वॉर में क्रॉस गिल्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि बगी ने अभी कुछ चैप्टर्स पहले जो स्पीच दी है उससे भाई क्रॉस गिल्ड की नैया अब कहीं और ही जाने वाली है। मे बी क्रॉस गिल्ड अब रोड पोने के लिए फॉली रेस में हिस्सा लेंगे आने वाले आर्क में, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर चारों के चारों करंट एम्परर ऑफ द सी एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं तो सोचो ये कितना गजब का आर्क हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बगी के बारे में बात कर लें तो अगर तुम मुझसे बोलोगे कि 100 चैप्टर्स पहले इमेजिन कर लो कि क्या बगी ऐसा कुछ कर पाएगा, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस समय करंटली बगी के पास जो सपोर्ट है वो मीहॉक और क्रोकोडाइल का है, और ये ऑब्लिगेशन में भी है कि उन्हें बगी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि इतनी बड़ी जो फौज है वो सब बगी को सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक मीहॉक इज गोइंग टू हंट फॉर एनदर रोड पोनेग्लिफ एंड यहीं पे शायद हमें मीहॉक वर्सेस शैंक्स भी देखने को मिल सकता है, या मोर पॉसिबली मीहॉक वर्सेस ज़ोरो, जिसके बारे में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। एंड द लास्ट पार्ट द वॉर इज वेटिंग, और ये इस थ्योरी का लास्ट प्रेडिक्शन होने वाला है। देखो ये वीडियो में हमने एगेड आर्क से फ्यूचर में फाइनल वॉर से पहले क्या क्या हो सकता है उस पर बात की है। अब इस पे एक और वीडियो बनाने का सोचा है मैंने, लेकिन वो चीज आप लोग डिसाइड करोगे, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो पार्ट टू बना, जो डायरेक्ट फाइनल वॉर का प्रेडिक्शन वीडियो होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाली वीडियोस के लिए कुछ ज्यादा ही रिसर्च लगती है छोटी छोटी चीजों को देख। अगर आप सभी को वाली वीडियो चाहिए तो वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स है तो लाइक कर दो, तो फिर मुझे समझ में आएगा कि मुझे इस टाइप की और वीडियो बनानी चाहिए। और तब तक के लिए फ्यूचर प्रेडिक्शंस में से तुम्हें क्या क्या लगता है, कौन सी सही होंगी कौन सी गलत हो सकती है वो बताओ, क्योंकि पहले की मेरी कुछ प्रेडिक्शंस गलत हो रखी है, जैसे कि मैंने बोला था कि कई सारे पोनेग्लिफ्स मिल गए, अब इनके बेसिस पे हिस्ट्री को रिवील किया जाएगा, तो वो सब अभी तक नहीं हुआ है वन पीस में, और हम नए आर्क में भी आ गए हैं, तो अभी काफी कुछ गलत होता रहता है। तो आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कौन कौन से प्रेडिक्शंस सही हो सकते, और इन सारी चीजों को मैं इंक्लूड करूंगा अपने वीडियो के पार्ट टू में। अभी इससे पहले मैं प्ले ऑन बोलूं, देखो यार प्लीज 100,000 सब्सक्राइबर्स करा, तो गियर 5 अब आने ही वाला है भाई, मुझे लग भी नहीं रहा टाइम पे हो पाएगा। गियर 5 6 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, तो भाई कम से कम 80,000-90,000 सब्सक्राइबर तो करा दो यार, कि लगे हाँ ठीक है बस पहुंचने वाले थे। और अगर मन करे तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, वहां पे सबसे पहले मैं स्पॉयलर्स रिकॉर्ड करके डाल दे। सो आई थिंक अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।